मैं आज एक 25-30 साल का क्वेश्चन मार्क, एक सवाल जो मेरे जहन में घूमता रहा, और वो क्यों घूमता रहा और किसकी वजह से घूमता रहा और कौन से गाने की वजह से घूमता रहा, ये मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन पहले चाहता हूँ कि आप वो गाना सुनिए कि जिसने मुझे 25-30 साल मुझे बहुत तंग किया। क्यों तंग किया? सवाल मेरा ये था कि गाना पहले लिखा गया या पहले कंपोज किया गया, अब इसका जवाब कौन दे। लेकिन मुझे मौका मिला और मुझे इसका जवाब मिला। पहले आप वो गाना सुनिए कि वो गाना क्या है। ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। ओ हो हो, हा हा हा, ओ हो हो, तारा रा दा। अभी देखिए, दारा ररी री री, तारा ररी री री, तारा ररी री रा दारी रा रा, दारा रा। चार सुर है ये, चार सुरों में ये कंपोजिशन मुखड़े की खत्म हो गई। जब भी गाना मैंने सुना, मैं तब से उस वक्त को ढूंढ रहा था, उस वक्त की वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि ये कब मुझे पता चलेगा कि ये गाना कैसे बना। कहते हैं ना कि जब आप सच्ची ईमानदारी से किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलता है। मेरे साथ ये हुआ। मैं यश जी की फिल्म कर रहा था, दिल तो पागल है। एक गाना हो गया, दूसरा गाना हो गया, तीसरा गाना हो गया, तो थोड़े से बख्शी साहब का थोड़ा सा प्यार मेरी तरफ आया। उन्होंने मुझे, जैसे होता ना, एक लाइकिंग शुरू होनी उनकी हुई। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बख्शी साहब से कहा, मैंने कहा पापा, बोले हाँ बोल। मैंने कहा एक सवाल आज 25-30 साल से मेरे सामने है, मुझे प्लीज़ बताइए ये क्या है। बोले क्या सवाल है? तो मैंने ये गाना गाया होगा। मैंने कहा ये दिल दीवाना है, ये दिल दी। मैंने कहा ये गाना पहले था, लिखा था आपने, या बर्मन साहब ने ट्यून बनाई थी, क्या था? वो एकदम ऐसे, अरे यार तुमने कहाँ मुझे याद दिला दिया ये गाना, ये गाना तो ऐसा है कि मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने कहा पापा क्या क्या बात ऐसी हो? अरे बोलते हैं बर्मन साहब ने मुझे ये ट्यून दे दी और मैंने सारा दिन लिखता रहा, सारी रात लिखता रहा, पेपर फाड़ता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। बोलते मुझे 5:30 सुबह 6 बजे ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, ये दिल दीवाना है, दिल दीवाना। कहते जाके मुझे एक दीवाना जब लफ्ज मिला तो मेरा मुखड़ा कंप्लीट हुआ। तो मैंने कहा कमाल है पापा, मतलब अजीब सी कशिश है इन चार नोटों के पीछे। तो जैसे ही ये उन्होंने बताया, तो इतने में यश जी ने बोले उत्तम पापा आपको पता नहीं? मैंने कहा क्या भाई साहब, मैं उनको भाई साहब बोलता था, वो मुझे पापा जी बोलते थे। मैंने कहा भाई साहब क्या? बोले एक ज़माना था जब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब फिल्म कंसीव करते थे या जब स्टोरी लिखी जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, तो सबसे पहले राइटर साइन हुआ करता था, लिरिक्स राइटर साइन हुआ करता था, उसके बाद में संगीतकार साइन होता था। लेकिन इस इंडस्ट्री को चेंज करने वाले बर्मन दादा हैं। तो ट्यून बनना जो है इस इंडस्ट्री में, इट इज स्टार्टेड बाय बर्मन साहब। तो आप सोचिए कि मैं
कितना उस टाइम में मुझे अच्छा लग रहा होगा कि एक तो मेरा 25-30 साल का क्वेश्चन जो था वो आज पूरा हुआ, कि पहले ट्यून बनी थी, बाद में बख्शी साहब ने लिखा, और ये भी पता चला कि बर्मन साहब की वजह से इंडस्ट्री में ट्यूने बनना शुरू हुआ। यहाँ पे एक बात आपको बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ बर्मन साहब की। बर्मन साहब का जब मैंने, मेरी जब हिम्मत पड़ी कि मैं उनको कहूँ कि बाबा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने उनको मना किया था, मैंने इससे पहले आपको बोला हुआ, आप सुनिएगा उसको। उसके बाद जब उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ये बात मैंने सुनी है, मैं वहाँ था नहीं, तो जब उन्होंने वो सारा संगीत सुना अपने किसी गाने का, जब जो रिकॉर्डिंग थी, तो उस अरेंजर के पास गए, उसको जाके बोलते हैं, भाई देख ये जो मेरी दुल्हन है ना, वो अपनी गाने को दुल्हन कहा करते थे, ये जो मेरी दुल्हन है ना ये बहुत खूबसूरत है, इसको इतने श्रृंगार की जरूरत नहीं, इसको सादे कपड़े पहना दो ये वैसे ही हिट है। देखिए कितना कॉन्फिडेंस अपने संगीत के बारे में, अपनी दुल्हन के बारे में, अपने बच्चे के बारे में कितना कॉन्फिडेंस है कि सादे कपड़े पहना दो इसको, क्योंकि ये खुद ही इतनी खूबसूरत है, इसको तुम श्रृंगार करोगे तो ये क्या होगा, इसकी कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं, मेरी दुल्हन बहुत खूबसूरत है, इसको सादे कपड़े पहना दो, सारा कहते हैं उस टाइम पे उन्होंने बर्मन साहब ने म्यूज़िक चेंज करा दिया और सादा म्यूज़िक करके गाना रिकॉर्ड किया। ये हमारे बर्मन साहब थे। और उसके बाद फिर उनका पुत्र, सपुत्र, जिसने बर्मन साहब के नाम को और चार चांद लगा दिया और ऐसा ऐसा काम किया कि आज भी दोनों पिता और पुत्र जीवित हैं और ये हमेशा जीवित रहेंगे। मेरा इन दोनों को प्रणाम है। मैं यहाँ आज की सभा समाप्त करता हूँ, आज्ञा लेता हूँ आपसे, और यही कहना चाहूँगा कि संगीत तपस्या की चीज़ है, क्योंकि कोई मजाक की चीज़ नहीं है। अगर आप संगीत से मजाक करेंगे तो आप एक दो साल चल पड़ेंगे, तीन साल चल पड़ेंगे, चार साल चल पड़ेंगे, लेकिन अगर आप संगीत की तपस्या करेंगे तो सरस्वती आपके साथ रहेगी और आपको हमेशा उस सरस्वती लोगों को कहती रहेगी कि मैं इसके पास हूँ, उसके पास जाओ क्योंकि मैं उसके पास हूँ। तो मेरी विनती यही है आप सब लोगों से कि अगर आपने संगीत को अपनाना है तो उसके अंदर चले जाइए, उसकी तपस्या कीजिए, उसको अपना बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, तो ये सदा सारी उम्र आपके पास रहेगी। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।